तो आज स्टार्ट करती हूँ। मैं मैंगो स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ, समर स्पेशल मैंगो रेसिपी। आपने अभी तक मेरे चैनल लाइफ का जायका को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दें एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल। अभी तक मैंने मैंगो की कोई भी रेसिपी नहीं लाई थी आपके लिए, तो मैं लेके आई हूँ फिर से न्यू रेसिपी मैंगो की। आम पापड़, इसे हमारे यहाँ आवट के नाम से भी कहा जाता है, जो कि काफ़ी डिलीशियस स्वीट डेजर्ट एज ए यूज़ करते, स्टोर करके आप फ्रीज में भी इसे रखते हैं। तो चलिए बिना देर किए इसे स्टार्ट करते हैं बनाना। यहाँ पे मैंने 500 ग्राम मैंगो ले लिया है, धो लिया है इसको, बिल्कुल अच्छे से धो के पोंछ लेंगे। अब क्या करना है, इसके सारे छिलके को फटाफट से नाइफ़ के हल से सारे छिलके को पील कर लेंगे, ओके। और उसके बाद इससे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे, किसी भी शेप एंड साइज़ में आप काट सकते हो, क्योंकि इसके बाद तो मुझे इसे मिक्सर ग्राइंडर में इसका एक स्मूथ सा पेस्ट ही बनाना है। तो यहाँ देखिए मैंने एक बाउल में इसे तैयार कर लिया, सारे पल्प को मैंने अलग कर लिया है। अब क्या करना है, फटाफट से बिना लेट के वजह से जल्दी से एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेते हैं। इसमें कोई भी थोड़े से भी लम्ब्स ना रहे या फिर एक कुछ भी होना नहीं चाहिए, एक स्मूथ पेस्ट होना चाहिए। तो देखिए ये फटाफट से सारे को मैंने ग्राइंड कर लिया है स्मूथ पेस्ट, ओके ओके। तो आम पापड़ खाने में काफ़ी टेस्टी लगती है एंड जब ये मार्केट में मिलती है तो हमें ये लगता है कि इसे बनाना कितना टफ है, बट ये बहुत इजीली घर में बन जाती है। और दूसरी तरफ मैंने पैन रख दिया है फ्लेम पे, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे या लो फ्लेम पे। अब क्या करना है, ये सारे पल्प को इसमें पोर्स कर देना है, डाल देना है इसको, अच्छे अच्छे से इसको स्टर करते रहेंगे, नहीं तो ये नीचे से सटने लगेगा या लगने लगेगा। इसको स्टर करते रहेंगे कम्प्लीटली, लो फ्लेम पे इसे पकाना है हमें, नहीं तो ये बहुत जल्दी नीचे से लगने लगता है। थोड़ी देर इसे पकाने के बाद 5 से 7 मिनट, ठीक है, इसे चेक करते रहेंगे कि ये नीचे से लगे ना, ओके। एंड अब क्या करना है इसमें, अब हमें कुछ करना नहीं है, बस ये जब आपको लगे कि ये 5 से 7 मिनट हो चुका है तो अब इसमें डालना है क्या, मैंने 100 ग्राम में इसमें शुगर डाल दिया है, ठीक है, चीनी डाल देंगे इसके अंदर, ठीक है, और फिर से इसको स्टर कर देंगे कुछ देर के लिए कि ये सारे मेल्ट हो जाए शुगर इसके इसमें मैंगो के साथ अच्छे से। कुछ देर इसे फिर से स्टर करेंगे तो ये ऑलमोस्ट बन के तैयार ही हो चुका है, ठीक है। ये 2 दिन लगेगी इसे बनने में, तैयार होने में, ठीक है, ये इसमें 2-3 दिन लग जाते हैं। अब क्या करना है, फ्लेम को आपको जब लगे कि हो चुका है 5-7 मिनट के बाद, तो इसे फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। और दूसरी तरफ 2 बड़ी सी थाली ली है मैंने, प्लेन सरफेस वाली भी, आप कोई भी सी भी ट्रे भी ले सकते हो प्लेन सरफेस की, ठीक है। आप उसके मैंने क्या किया, ग्रीसिंग कर दी है घी से, आप घी भी यूज़ कर सकते हो या फिर रिफाइंड ऑयल भी यूज़ करते हो इसे अच्छे हाथों से, या फिर ब्रश आपके पास अवेलेबल हो, ठीक है, कुकिंग वाली ब्रश आती है उससे भी आप स्प्रेड कर सकते हो अच्छे से, इसे अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। 2 प्लेट मैंने थाली ली है, ठीक है, दोनों को अच्छे से ग्रीस कर लिया। अब करना है क्या, ये थोड़ी हल्की सी ठंडी हो जाए, ठीक है, तो अब मैंगो के जो भी पल्प वाले जो ये थे मिक्सचर जिसको मैंने कुक किया था, इसे स्प्रेड कर देंगे पूरी थाली में, एक मोटा सा लेयर इस पर डालेंगे, ठीक है, स्पून की हेल्प से इसे चारों तरफ से इसे अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे, फैला के कर लेंगे, या फिर इसको डालने के बाद मैंगो को थाली को डैप कर लेंगे, ठीक है, कि ये अच्छे से सेट हो जाए, ठीक है। मैंने दोनों थाली में अच्छे से इसको स्प्रेड किया है, बिल्कुल इस तरह से आप देख सकते हो मैंने किस तरह से किया है, ओके। ये खाने में तो काफ़ी टेस्टी लगता है, देखिए ये बन के बस 2 दिन के अंदर ये सूखेगा, उसके बाद ये खाने को बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो देखा आपने कितना झटपट बनने वाला ये रेसिपी आज मैंने आपके साथ शेयर की है। मैं हमेशा ही अपने चैनल पे इंस्टेंट और ईजी वे में बनने वाली रेसिपी लेके आती हूँ कि आप खुद से घर में आराम से बना लो, और कुछ इनोवेटिव की आजकल की लड़कियां इसे काफ़ी इजीली बना ले। तो ये दोनों प्लेट में मैंने थाली में सेट कर दी है डैप करके, या धूप में मैंने इसे रख दिया है सूखने के लिए 2 दिनों के लिए, ठीक है। ऑलमोस्ट 2 दिन के बाद आप ये देख सकते हैं कितने अच्छे से ये सूख चुके हैं, ठीक है। अब नाइफ़ की हेल्प से इसे इसके परत को हल्के हल्के हाथों से सेपरेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इस पर पहले मैंने ग्रीसिंग की हुई थी, ये इसलिए ज़्यादा फोर्सफुली इसे मैंने नहीं निकाला, ये काफ़ी ये इजीली निकल चुकी है मेरे हाथ से, ये आप देख सकते हो ये बिल्कुल रोटी के जैसी मेरी निकल चुकी है ये आम पापड़। देखो कितना इजीली बनाया है मैंने और कितने अच्छे से ये घर में बन के तैयार हो गया है बाज़ार में मिलने वाला आम पापड़। अब क्या करना है, नाइफ़ के हेल्प से आप किसी भी शेप एंड साइज़ में इसको कट कर सकते हो या फिर ऐवे ही खा सकते हो, ओके। यहाँ मैंने रोल कर लिया इसे, देखो ये कितने प्यार से
रोल हो रही है और काफ़ी अच्छे से ईजिली कट गई है, ठीक है। तो ये आम पापड़ हमारा घर में बन करके बिल्कुल तैयार हो गया। हमारे यहाँ इसे आवट भी कहते हैं। तो आपको बाज़ार से आज के बाद आम पापड़ लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, घर में बनाएंगे आम पापड़, वो भी बिल्कुल ईजी स्टेप्स को फॉलो कर। ये इतना डिलीशियस दिखने में से लग रहा है, तो ये खाने में कितना टेस्टी होगा, तो मैं तो चली इसे टेस्ट करने, क्योंकि मुझसे तो अब रहा नहीं जा रहा है। तो आप भी इसे ज़रूर एक बार बनाएं और घर में बना के टेस्ट करें और अपना रिव्यू मुझे ज़रूर सेंड करें कि आपको ये आम पापड़ कैसा लगा। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ गया वक्त जाने का, तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।